बलाई समाज की निःशुल्क डिजिटल पत्रिका के आयोजन में रविवार को झूम ऐप के माध्यम से बलाई समाज के समस्त मध्य प्रदेश के युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें समाज के युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया है। इसके आयोजक श्री हंसराज सावले, राकेश हटोदे और शुभम हटोदे ने बताया कि इसका आयोजन प्रति सप्ताह किया जाएगा, जिसमें 50 युवक युवतियाँ भाग ले सकेगी। परिचय सम्मेलन के माध्यम से समाज के लोग घर बैठे अपना परिचय देकर सम्मेलन में भाग ले सकते हैं, जिसको समाज के लिए सभी लोगों द्वारा देखा जाएगा। यही उनका उद्देश्य है, जिसमें पैसा और समय दोनों की बचत होगी और साथ ही अन्य समाज भी इस कोरोना को देखते हुए डिजिटल समय को अपनाकर इस घर बैठे युवक युवतियों के लिए रिश्ते देख सकेंगे। यदि कोई भी जानकारी लेना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इनके इस योगदान को भलाई समाज के साथ साथ अन्य समाज द्वारा भी काफ़ी सराहा जा रहा है। आज विशेष सहयोग शुभम हटोदे का रहा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। आपने जो ये वर्चुअल परिचय सम्मेलन कराया था, इसका उद्देश्य क्या था? वर्चुअल परिचय सम्मेलन का उद्देश्य यह है कि कोरोना महामारी को देखते हुए कोई सम्मेलन नहीं हो पा रहे हैं और युवक युवतियों के पेरेंट्स भी रिश्तों के लिए एक दूसरे के घर जाने नहीं जा पा रहे हैं, तो इन्हीं समस्याओं को देखते हुए हमने ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से घर बैठे हमने परिचय सम्मेलन करने का विचार किया और जिसमें हमें काफ़ी अच्छा सहयोग मिला भी, और हमने ये प्रयास किया है कि हम इसको आगे भी परिचय सम्मेलन जारी रखेंगे जो संडे टू संडे होगा। इसी वर्चुअल परिचय सम्मेलन के पहले हमने एक पीडीएफ फाइल बनाई थी और जो 8 मार्च 2020 को लॉन्च की गई थी, उस पीडीएफ फाइल में भी करीब 206 बायोडाटा थे हमारे पास और उन 206 बायोडाटा में काफ़ी लोगों की सगाई और शादी हो चुकी है, करीब 15 से 20 लोग उसमें ऐसे हैं। उसी का वर्जन 2 भी हमने लॉन्च किया है जो 2 अगस्त 2020 को हम लॉन्च करेंगे। उसी के आधार पर हमें काफ़ी बायोडाटा प्राप्त हो चुके हैं और हमारा कार्य प्रोसेस में है। आज के इस इवेंट के बाद कई लोगों को ये विश्वास हो गया होगा कि इस डिजिटल सुविधाओं के द्वारा हम कई सारे कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। आज श्री राकेश जी अटोदे और श्री हंसराज जी सावले के अथक प्रयासों के द्वारा ये आयोजन संपन्न हो सका, जिसमें समाज जनों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया गया और हमने आज के आयोजन के बाद ये निश्चय किया है कि हम इसे आगे और दोबारा रिपीट करेंगे। सो इसी वाणी के साथ धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।